आम आदमी पार्टी की ओर से जहां बिजली रंग जमाना शुरू कर दिया है, शाम होते ही कोहरे की चादर रात होने तक घनी हो जाती है। कई बार तो दोपहर तक कोहरा आसमान में छाया रहता है। सर्दी के मौसम में अभी इस कोहरे से राहत मिलना संभव नहीं है। कोहरे और ठंड से आए दिन हादसे और लोगों की मौतें भी हो रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ताजा मामला थाना ताजगंज क्षेत्र के ताज व्यू चौराहे का है, जहां सड़कों पर रहने वाले एक अधेड़ की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि सर्दी के मौसम में आगरा प्रशासन जगह जगह अलाव जलवाया करता है और कई जगह रैन बसेरे भी लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण इस अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मैं यहां पर आया था, टॉयलेट करके आ रहा था मैं रोड की तरफ से, तो मैंने देखा इस आदमी के ऊपर मक्खियां लग रही थी, तो मैंने इसे चेक करके देखा तो ये मृत्यु हुआ। फिर मैंने 100 नंबर पर फोन मिलाया तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग आ रहे हैं, अब यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, अब इसको ले जाने के लिए तैयारी हो रही है। इसकी कारण ठंड के कारण मौत हुई है इसकी। ये दिन में आता था, यानी कि शाम को आता था, दिन में चला जाता था। ये तो 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ इसको, इसी हालत में पड़ा हुआ है और चलता बिठा भी देखा है मैंने इसको, और आज सुबह 4 बजे लगभग, जो आज दोपहर को 4 बजे देखा है, तो ये खत्म हो चुका है।